तो दोस्तों नमस्कार जय हिंद आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महीने की आपकी पेंशन में और आपकी सैलरी में पिछला जो डी ए हमारा बढ़ा हुआ है जुलाई तक का वो बढ़कर आया हुआ है और सभी को क्रेडिट हो चुका है आप सभी अपना डी ए चेक कर सकते हैं कि सही परसेंटेज के हिसाब से क्रेडिट हो गया है या नहीं हुआ है दूसरा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब सितंबर महीने के ए आई सी पी आई एन यानी कि अखिल भारतीय सूचकांक जारी हो चुके हैं और हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा डी दी अब जो हमको जनवरी 2024 से मिलने वाला है वो कितना पहुंच चुका है और सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या जनवरी 2024 में हमारा डी ए परसेंट को क्रॉस कर जाएगा ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे तो देखिए सबसे पहले कि आपको लेटर दिखा रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी हुआ है इकतीस अक्टूबर का ये लेटर है अभी लेटेस्ट और इसमें हमारे जो ए अखिल भारतीय सूचकांक जारी होते हैं उसका विवरण दिया गया है यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में जो हमारा अखिल भारतीय सूचकांक है वो एक पॉइंट सात अंकों से डिक्रीज हुआ है यानी कि नीचे गया है मैं फिर एक बार बता रहा हूँ एक पॉइंट सात अंक से नीचे गया है लेकिन आगे हम ये समझेंगे कि आपका सूचकांक नीचे जाने के बाद भी डी ए डी आर में बढ़ोतरी हुई है वो कैसे हुई है वो भी मैं आपको समझाता हूँ देखिए अब वन पॉइंट सेवन अंक नीचे जाने के बाद हमारा जो अखिल भारतीय सूचकांक है ये बनता है एक सौ सैंतीस पॉइंट पाँच परसेंट अगर हम कंपेयर करते हैं अगस्त और सितंबर महीने का तो ये सूचकांक 1.7 अंकों से नीचे गया है लेकिन यहाँ पर देखिए अगर इसको कंपेयर किया जाएगा पिछले साल के सितंबर महीने के आंकड़ों के अनुसार तो ये जीरो पॉइंट चौरासी अंकों से इंक्रीज हुआ है यानी कि बड़ा है ठीक है ना दोनों में फ़र्क है अगर आप सितंबर महीने को उसके पिछले महीने से आप कंपेयर करेंगे तो 1.7 अंक की गिरावट है लेकिन सितंबर महीने को 2022 के सितंबर महीने के साथ में आप कंपेयर करेंगे तो जीरो अंकों से ये बड़ा है अब नीचे देखते हैं कुछ इसके विवरण जो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से पिछले महीने ये बड़ा था और अब ये गिरा है तो इसका सीधा कनेक्शन जो हमारी महंगाई बढ़ती है आपने देखा होगा कि इस महीने शेयर मार्केट में भी काफ़ी उथल पुथल हुई उस हिसाब से उसका सीधा असर आपके महंगाई भत्ते पर भी पड़ता है और ये इनडायरेक्टली हमारे जन जीवन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है अब हम देखते हैं कि अगर हमारा अभी का सूचकांक जो है वह एक है तो इस हिसाब से हमारा डी क्या कहता है कितना बड़ा है कितना घटा है अगली शीट में आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने मैंने डी ए कैलकुलेटर खोल दिया है और यहाँ पर सितंबर 2023 के कॉलम में हमने अपना अखिल भारतीय सूचकांक एक ऐड कर दिया है और उस हिसाब से हमारा डी ए बन चुका है 48.54 जी हाँ अड़तालीस परसेंट अब यहाँ पर देखिए कि अगस्त महीने में जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें जो हमारा डी ए था वो सैंतीस था लेकिन इस बार अखिल भारतीय सूचकांक डाउन होने के बाद भी हमारा डीए जो है कुछ ना कुछ बड़ा है अब अड़तालीस प्रतिशत हमारा डी बन चुका है और जो जून का डी आपको क्रेडिट हुआ है वो देखिए 46.24 के हिसाब से आपको क्रेडिट हुआ है तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा अच्छा अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जनवरी 2024 में हमारा डी 50 प्रतिशत को क्रॉस कर जाएगा तो जिस तरह से डी बढ़ रहा है अभी हमारे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीन महीने के आंकड़े आना बाकी है और हमारा डी ए प्रतिशत बन चुका है तो डेफिनेटली 50 परसेंट को क्रॉस कर जाएगा जनवरी 2024 में आपने उसी हिसाब से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए आगे चलना है दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन फ्री में आपके पास पहुंचती रहे और आपकी आर्थिक उन्नति को लेकर कई सारे इन्वेस्टमेंट गाइड के लेकर हमने वीडियो बनाए हैं जो कि आपको ये एंड स्क्रीन में दिखाई दे रहा है तो आप उन वीडियोस को देखिए और अपनी आर्थिक परिस्थिति मजबूत बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नमस्कार जय हिंद